असल बहुत खादिन वजा मैं 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 मूँ अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो लॉग में हम हामिद मीर एपिसोड को लेकर बात करने जा रहे हैं हामिद मीर एक सीनियर सहााफ़ी बल्कि सीनियर तरीन सहााफ़ी और बहुत से यंगस्टर्स ने उनको देख सीखा ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ अपने पिछले वीडियो लॉग में और जो उस दिन उनका रवैया था जो उस दिन उनकी टोन थी वो इंतई नामनासब थी बात को कहने का भी एक तरीका होता है और फिर आखिर में एक बात को कहना और डिलीवर करने के बाद कहना थैंक यू वेरी मच यूँ लग रहा था जिस तरह आप किसी दुश्मन को मुखातिब कर रहे हैं या आप किसी दुश्मन को आंखें दिखा रहे हैं या आप किसी दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन ये सब कुछ किसके लिए कहा जा रहा था यह हमारे कौमी इदारे के लिए कहा जा रहा था एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारे मुल्क का फ़खर है अब जहाँ तक बात है सहााफ़ियों की और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की यकीन तो सहाफ़ियों की बहुत सी ज़िम्मेदारी हैंफ़ियों को आज़ादी इजहार राय होना चाहिए सिर्फ सहाफ़ियों को ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का इख्तियार हासिल है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है और इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है आप बरतानवी जो नशियाती इदारा है बी बी सी उसको आप देख लें तो उस पर भी शाही ख़ानदान और जो कुछ हमारे उनके सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो इश्यूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं उन पर बहुत एहतियात बरती जाती है और हमारा ये कौमी इदारा हमारा ये हसास इदारा जो हमारे मुल्क का जैसा कि मैंने कहा है कि फ़ख्र है आप इसको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जब मलाइन करेंगे तो आप किसके लिए फेवर कर रहे हैं किसकी मदद कर रहे हैं आप आप मदद कर रहे हैं हमारे दुश्मनों की आप बात कर रहे हैं आप मदद कर रहे हैं भारत की क्योंकि वहाँ पर तो फिर इस पूरी सिचुएशन को लेकर हमारे इस इदारे का आईएसआई का मजाक उड़ाया जाएगा चाहे वो वीना मलिक के ज़रिए हो कि जिनके बाज़ू पे टैटू बनवा कर आई लिख दिया जाता है वो तो यही चाहते हैं और ये सन दो का वाक्य मैं कोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर वीना मलिक के बाज़ू पर आई का टैटू बनाकर उनकी एक मैगजीन में तस्वीर शाया हुई थी एफ मैगजीन में तब भी यही मकसद था और अब भी हम उनको प्लेट में रखकर पेश कर रहे हैं हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कहीं पे भी आप चले जाएं हर चीज की एक लिमिट मुकर होती है और उस लिमिट में रहते हुए बात करनी चाहिए आज़ादी इजहार राय का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही मादर पिदर आजाद हैं जिसके जी में जो आए वो कहे जिसको गाली देनी है दो दे। किसी को मलाइन करना है मलाइन करो ऐसा हरगिज नहीं होता है और जहां तक असद तूर के मामले का हवाला मैं यहां पर दूं कि उनके इशू पर इन्वेस्टिगेशन तो होने दें देखने दें इन्वेस्टिगेशन सामने क्या आती है अगर आप इन्वेस्टिगेशन से मतम ना हों और जो एविडेंस सामने रखा जाता है तहकीकती इदारों की तरफ से अगर आप उससे मतम ना हों तो फिर उसके बाद आप अगला अपना लाहेमल कोई तय करें और आप ये कहें कि जी अब हमें यह करना है या हम इसको मंजूर नहीं करते सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर सकती हैं और जहाँ तक बात है उस दिन वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों की जिनमें मुनिष जहंगीर साहबा भी मौजूद हैं मैं ख़ैर उसमें नहीं जाना चाहूँगा उनकी वालदा को ले मरहुमा को लेकर लेकिन हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका एजेंडा भी क्या रहा है हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उनके भारत में कितने अच्छे और कितने गहरे ताल्लुक थे और वो भी किस तरह से हमारी एजेंसीज़ को मुलायन करने की कोशिश करती रही हैं आप भी क्या उसी डगर पर हैं हमें कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है हमें मशहूरी मकबूलियत और फेम चाहिए तो फ़ेम क्या इस तरह की हरकतें करके फेम हासिल करेंगे हम और हाँ याद आया हासिल करने से कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया और है और ये इस्लामाबाद में ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है और ये ट्रेंड ये है कि जी अपना कोई इस तरह का मामला कोई किस्सा बना लो किसी को भी बुलाओ पिटवा लो और पिटवाने के बाद उसको आप ब्लेम डाल दो आईएसआई एस पर या हुकूमत पर ब्लेम डाल दो और फिर ये शो करो कि आपकी जान को ख़तरा है और चूँकि आपकी जान को ख़तरा है तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में कैनेडा में या किसी भी और मुल्क में आप सियासी पना पोलिटिकल असाइल आप अप्लाई कर देते हैं तो असाइलम के लिए ये सारा कुछ किया जाता है केस तैयार किया जाता है ताकि केस जो है वो तगड़ा हो और वहाँ पर हमें कामयाबी से असाइलम मिल जाए और पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग गए भी हैं जो वहाँ पर जाकर असाइलम अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते रहे फौज को बुरा भला कहते रहे आईएसआई को बुरा भला कहते रहे जर्नैलों को बुरा भला कहते रहे और बस समझें कि एक तरह से गाली देते रहे और उसकी बेस पर वहाँ पर जाकर उन्होंने असाइलम अप्लाई कर लिया तो हमें इन चीज़ों के बारे में एहतियात से काम लेना चाहिए मैं यकीन मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मीडिया की नहीं है बात हमारे देखें अगर यहाँ पर कोई और होता इदारा होता कोई और सेक्शन ऑफ़ द सोसाइटी होता सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता तो उस पर हम बात करते ज़रूर करते लेकिन यहाँ पर वी टॉकिंग अबाउट एन uh, इंस्टीट्यूशन जिस पर हमें बात करने से पहले सोचना चाहिए हम तो एक तरह से उन तमाम लोगों को फीड कर रहे हैं कि ये लो मवाद और जो चाहो जो कहना चाहो जो करना चाहो वो कर लो दूसरी तरफ हामिद मीर साहब का प्रोग्राम जियो पर पीरता जमेरा रात, रात आठ बजे नशर होता रहा है अभी पीर को ये नहीं हुआ और इतलात यही हैं कि जियो की तरफ से उनको अफेयर कर दिया गया है जियो ने जो भी फैसला किया है Uh, वो प्रेशर में किया है या एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने किया है या उनको ख़ुद भी ये लगा कि इस दफ़ा हामिद मीर साहब ज़रा uh, हद से तजावज़ कर गए हैं और ज़्यादा कह गए हैं ज़्यादा बोल गए हैं और उसकी ज़रूरत नहीं थी अभी एक दफ़ा फिर वो 2014 का एपिसोड एक दफ़ा जियो के साथ हो चुका है और जियो को उससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था जियो को अच्छी खासी डज लगी थी 2014 में कि जब उन्होंने जनरल जहर इस्लाम का नाम चला दिया था कि जी हामिद मीर पर जो अप्रैल 2014 में हमला हुआ उसके पीछे आई और ये आई चीफ़ ने यह करवाया था तो उसके बाद फिर जियो को अच्छा खासा नुकसान हुआ इश्तहार नहीं मिले बहुत से शहरों में केबल पर उस तरह से मौजूद नहीं था फिर पब्लिक ने जियो को मुस्रद किया और रिजेक्ट करते रहे और दोनों में 2014 का जो पूरा धरना है उसमें भी हमने देखा कि पीटीआई के वर्कर्स ने जहाँ जहाँ जिस तरह जियो का इस्लामाबाद में दफ्तर है ब्लू एरिया इस्लामाबाद के बिल्कुल एंड पर तो वहाँ पर गुजरते हुए एहत के बाद जब जा रहे होते थे तो पथराव वगैरह भी होता रहा बिकॉज uh, सब ने रिजेक्ट किया कंडेम किया और जियो की पॉलिसीज़ को भी रिजेक्ट और कंडेम किया तो जियो उसकी रेपटेशन नहीं चाह रहा था इन ट्वेंटी एंड आई बिलीव के इसकी वजह से जियो ने ये एज ए एक सेफ्टी स्टेप लिया है जियो की तरफ से आ, एंड हो सकता है कि ये इसको लेकर कुछ अर्सा चलें टिल द सिचुएशन इम्प्रूव या ये जो ताल्लुक में दरार आई है जो मामलात ख़राब हुए हैं ये ठीक हो जाएँ हामिद मीर साहब कोई पब्लिक पॉलिजी कर लें और कह दें कि जी मैंने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह दिया और हालात बेहतर हो जाएं तो वो जियो पे दोबारा से बहाल हो जाएंगे री हो जाएंगे लेकिन अभी जियो की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है लेकिन ऑन द होल जो सिचुएशन है वो ये है कि इट्स अड़ी कॉन्ट्रोवर्शल और बहुत परेशानी वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से इदारे और सहाफ़ी देखिए ये देर ऑल पिलर्स ऑफ द स्टेट सहाफ़ी भी और इंस्टीट्यूशंस भी जुडिशरी भी तो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर हम क्या करेंगे हम एक दूसरे का ही नुकसान कर रहे हैं और अपने दुश्मनों का फ़ायदा कर रहे हैं तो अगर आप यही चाहते हैं तो फिर आप लगे रहें जारी रखें यही मामला तो अगर आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर आगे चलें तो फिर ये सब करना ना नामनासिब और अपोजिशन को भी चाहिए कि इस सिचुएशन का आप अपना पॉलिटिकल गेंद्स के लिए फ़ायदा ना उठाएं शबाज़ाज शरीफ साहब मरीन नवाज़ साहिबा और फजल रहमान साहब असद बसतूर साहब के फ्लैट पे चले गए अपार्टमेंट पे उनको हमदर्दी के लिए और इनसे इजहार जकजहती के लिए तो उनको भी चाहिए कि ज़रा रुक जाए ना बिकॉज दे आर ऑल्सो एट द टॉप एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं तो आप पर भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको भी चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सारे काम ना करें इंतजार करते देखते कि इसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं फिर उसके बाद अगर आप जाते जाकर इजहार यकजहती के लिए करना चाहते तो जो जी में आता आप करते इसके साथ ही जी मुझे अली उमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अल्लाह